रही है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल और असम में ताबड़तोड़ प्रचार में उतरने वाले हैं। एक हफ्ते तक लगातार रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, कार्यकर्ताओं से वन टू वन भी वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। 21 मार्च ये तारीख बताई जा रही है जब से ये तूफानी दौरा शुरू होगा। तो चुनाव प्रचार की कमान अब खुद अमित शाह अपने हाथों में लेते हुए, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल और असम में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे और एक हफ्ते तक लगातार रैली और जनसभाएं करेंगे। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जिस टारगेट पर फोकस करते हैं और उसको पाने की पूरी हर संभव कोशिश उनकी रहती है, और जब वो अध्यक्ष थे तभी उन्होंने बंगाल और केरल पर टारगेट कर लिया था। और अब खबर यही आ रही है कि लगातार एक हफ्ते तक गृह मंत्री दिल्ली से बाहर रहेंगे और इस दौरान वो 21 मार्च से अपना ये अभियान शुरू करेंगे, जो धुआंधार जिसे ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं करेंगे, और इसे कह सकते हैं तूफानी दौरा गृह मंत्री अमित शाह का इसे माना जा रहा है, क्योंकि वो एक हफ्ते तक अब दिल्ली वापस नहीं लौटेंगे। 21 मार्च से वो एक इगरा जो पश्चिम बंगाल की जगह है वहां पर वो रैली करेंगे और उसके बाद दिन में कार्यकर्ताओं से वन टू वन बात करेंगे, मंडल डिस्ट्रिक्ट जो स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, और शाम को अब कलकत्ता में वो जो साल्डे के पास कल्चरल सेंटर है वहां पर मैनिफेस्टो यानी कि विजन डॉक्यूमेंट्स बंगाल की जनता के सामने रखेंगे कि अगर सरकार आती है तो बंगाल की जनता के लिए उनके पिटारे में क्या होगा, और उसके बाद धुआंधार आसाम में और बंगाल में उनका 7 से 8 दिन तक लगातार जनसभाएं, चुनावी दौरे और कार्यकर्ताओं से। देखिए कल से इसकी शुरुआत होनी है, एक हफ्ते तक ये ताबड़तोड़ रैली होनी है। तेंद्र आपने सब बनाए रखिए। वहीं बीजेपी ने भी बंगाल में हो रही हिंसा पर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव का कहना है कि बंगाल में लोकतंत्र की जीत होगी और टीएमसी हारेगी। चुनाव जिस तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है, टीएमसी वहां पर घबरा गई है, और आज चुनाव आयोग को हम लोग पुनः ज्ञापन देने जाएंगे कि बंगाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मेरे को ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कल भी नंदीग्राम में हिंसा की गई, टीएमसी के द्वारा हिंसा की गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा का शिकार बनाया गया। हिंसा के मुकाबले जब बंगाल की जनता विजय प्राप्त करेगी, लोकतंत्र की विजय बंगाल में होगी और टीएमसी निश्चित रूप से हारेगी। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, जहां एक तरफ देखिए टीएमसी की एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो पहुंचता है चुनाव आयोग और बाकायदा अपनी सारी बातें वहां पर कही जाती है, वहीं बीजेपी की भी कुछ यही रणनीति है, जल्द ही चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपेगी बीजेपी। अर्पिता, बंगाल में मुकाबला जो दिख रहा है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही दिख रहा है, हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां, क्योंकि एक तीसरा फ्रंट भी है, लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का एक अलायंस है मौजूद है। लेकिन बंगाल में जिस तरह से चुनाव प्रचार, जिस तरह से बार बार चुनाव आयोग के दरवाजे पे, दहलीज पे दोनों पार्टियां टीएमसी और बीजेपी पहुंच रहे, उससे यही लगता है कि भले ही बंगाल में विपक्षी पार्टी का दर्जा कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन बीजेपी वहां पूरी ताकत लगाए हुए है कि सत्ता से टीएमसी को बेदखल कर दिया जाए, और इसलिए बार बार चुनाव आयोग की दहलीज पे दोनों पार्टियां आती है, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, और टीएमसी को ये लगता है कि अगर चुनाव आयोग से बार बार आग्रह करे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, तो दबाव पैदा होगा और उसके बाद चुनाव आयोग कोई ऐसा फैसला लेगा जो टीएमसी के पक्ष में जा सकता है और बीजेपी के खिलाफ जा सकता है या टीएमसी के विरोध में ना जाए, ये कोशिश है टीएमसी की। लेकिन अधिकारियों के ट्रांसफर की बात है, जहां तक आपसे थोड़ी देर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को आप सुन रही थी, उनकी तरफ से ये साफ कहा गया कि अगर आने वाले वक्त में ज़रूरत भी पड़े तो अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाता है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि कौन अधिकारी कहाँ है। अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट खराब है तो उनका ट्रांसफर किया जाएगा, और आपको याद होगा डीजीपी का ट्रांसफर हुआ था, नंदीग्राम में कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था उस समय टीएमसी। बिल्कुल, यानी अब बीजेपी भी चुनाव आयोग के पास जाने वाली है, ज्ञापन सौंपने की बात सामने आ रही है, कई नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी और हिंसा मुक्त चुनाव हो, ये बीजेपी भी चाहती है। वहीं पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा करने वालों को चेतावनी भी दी। टीएमसी का एक मतलब और है, टी मतलब टेरर रातंग, एम मतलब मर्डर, और सी मतलब करप्शन भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। तो
तो बंगाल के नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी जोर शोर से इस बीच प्रचार में जुट चुके हैं। उन्होंने चुनाव में ममता बनर्जी की हार पक्की बताई और यही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी पर पुलिस का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। 2019 में लोकसभा वोट के पहले 42 में 42 बोली थी, क्या कुछ खास असर हुआ? असर नहीं हुआ। 2019 में हाफ हुआ, इस बार हाफ हुआ। इसी बीच बंगाल चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी ने 4 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार बदलने का ऐलान किया है। जिन सीटों पर टीएमसी ने उम्मीदवार बदले हैं उनमें नदिया जिले की कल्याणी सीट, उत्तर 24 परगना जिले की अशोकनगर, अमदांगा सीट और दुबराजपुर सीट पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। तो टीएमसी ने अपने 4 उम्मीदवार बदले हैं। आपको बता दें बंगाल चुनाव पर ये बड़ी खबर, जो पहले नाम घोषित किए गए थे 4 उम्मीदवारों के, फिलहाल उन्हें बदला गया है। जिन सीटों पर टीएमसी ने उम्मीदवार बदले हैं उनमें नदिया जिले की कल्याणी सीट, उत्तर 24 परगना जिले की अशोकनगर सीट, अमदांगा सीट और दुबराजपुर सीट पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। टीएमसी ने अपने 4 उम्मीदवार बदले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर पहले जो लिस्ट आई थी सामने, जिसमें इन 4 जगहों पर जो आपको देखिए तस्वीरों में भी दिख रहा है, यहां पर जो उम्मीदवार थे फिलहाल उन उम्मीदवारों को बदला गया है, यानी अब नए उम्मीदवार वहां से अपने दांव चलेंगे। तो बंगाल चुनाव पर बड़ी खबर। कोरोना की तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना के देश में पिछले 24 घंटे में 40,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सख्ती दिखा रही हैं, लेकिन कहीं तो नेता ही मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो कहीं लोगों की भीड़ कोरोना नियमों का जमकर मखौल उड़ा रही है। देश में कई जगह पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन लापरवाह लोग नियमों को ताक पर रखकर उसका भी जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। तो तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़े। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 40,000 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 154 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए और इनमें भी 2,877 अकेले मुंबई से हैं। महाराष्ट्र से कोरोना पर डराने वाली खबर आ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। कोरोना मरीजों का यह आंकड़ा साल 2021 में सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 58 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 2,877 कोरोना के मरीज मिले, जबकि 8 लोगों की मौत हुई। परभणी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू 25 मार्च तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे। नांदेड़ में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद धार्मिक स्थलों को बंद करने का भी आदेश दिया गया है। धार्मिक स्थल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वहीं नागपुर में पिछले 24 घंटे में करीब 3,800 मरीज सामने आए, जबकि 23 लोगों की कोरोना से मौत की खबर भी है। बहुत ही दुख की बात है। आई थिंक वैक्सीन आने की वजह से सब लोगों को बड़े लापरवाही ज्यादा हो गई है। दैट्स अ मेन रीजन। प्लस वहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में ट्रेन सर्विस जो है उसकी वजह से भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन आई एम श्योर दे विल कंट्रोल इट। जैसे पहले कंट्रोल किया वैसा कर लेंगे, तो लेकिन पब्लिक को बहुत सपोर्ट देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ने पर बीजेपी ने उधर सरकार पर हमला बोला। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने कहा कि कोरोना के टेस्ट और नियम पालन करवाने पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और 23,000 से ज्यादा हाईएस्ट एवर टैली की ओर बढ़ चुका है महाराष्ट्र। इस बारे में क्या कहना? पहले दौर में जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा था, अब प्रशासन के अंदर कड़ाई और ढिलाई दोनों हुई है। कड़ाई नहीं है और ढिलाई पाई गई है।
पेशेंट को ट्रैक करना, उसको आइसोलेट करना, उसको होम क्वारंटाइन करना या अस्पताल में भर्ती करना, उससे लगा के बिल्डिंग परिसर को सील करना, सैनिटाइज करना, स्थानीय प्रशासन इस मामलों में कहीं ना कहीं चूका है और जिसके कारण ये मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने लगातार इस बात को लेकर आगाह किया कि ये एक ऐसी महामारी है जिसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन आज भारत में उसी लापरवाही के खतरनाक नतीजे एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं। जिस कोरोना पर देश काबू पाता दिख रहा था, उसे एक बार फिर अपने पैर पसारने का मौका मिल गया। और हैरानी की बात तो ये है कि कोरोना की इस नई लहर के 90% से ज्यादा मामले 10 राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। कोरोना की जानलेवा रफ्तार, फिर चढ़ा वायरस का ग्राफ। कई राज्यों में कोरोना अलर्ट, सख्ती को मजबूर सरकार। देश में कोरोना की दूसरी दस्तक ने सरकार और सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कोरोना की ये नई लहर एक बार फिर वैसी ही चुनौतियां लेकर आई है, जैसी चुनौतियों का सामना अब से कुछ वक्त पहले देश लॉकडाउन के दौरान कर चुका है। लाख समझाने के बावजूद लोगों की लापरवाही ने कोरोना के लिए वो तमाम दरवाजे खोल दिए जहां सरकार को एक बार फिर नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त देश के किन राज्यों में कोरोना घातक रूप अख्तियार कर चुका है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना अपने पुराने रूप में वापस आने लगा है। चौंकाने वाली बात यही है कि कोरोना की जिस नई लहर का दावा किया जा रहा है, उसके 90% से ज्यादा मामले इन्हीं 10 राज्यों में हैं। ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि लंबे वक्त के बाद एक बार फिर कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा करीब 40,000 के पास पहुँच गया है। 29 नवंबर के बाद ये पहला मौका है जब 39,726 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 29 नवंबर को 41,810 केस दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में देश में कुल 154 लोगों की मौत हुई है। जिन 5 राज्यों में कोरोना की सबसे ज्यादा दहशत देखी जा रही है, उनमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर केरल, चौथे नंबर पर कर्नाटक और पांचवें नंबर पर गुजरात शामिल हैं। महाराष्ट्र के हालात क्यों हैं, इसे भी समझना जरूरी है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी की हालत ही देख लीजिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन कई बार सख्ती बरतने की बात कह चुका है, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। मुंबई की सरकार और मुंबई की महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि ये जो दादर मार्केट है, कोरोना के संक्रमण के चलते इसको सुबह का जो मार्केट है उसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। साथ ही साथ महापौर ने ये भी अंदेशा दिया है कि इसी तरह अगर कोविड संक्रमण इसी तेजी से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द जो है नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो नाइट कर्फ्यू तक लगाया जा सकता है। अब वो आंकड़े भी देख लीजिए जो लगातार डराते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 25,833 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 58 लोगों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 12,764 मरीजों को ठीक करके भेजा गया। अकेले मुंबई में एक दिन में कोरोना के 2,877 मामले दर्ज किए गए, जबकि 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र के बाद पंजाब ही वो राज्य है जहां कोरोना का प्रहार कई शहरों को बेहाल कर रहा है। बीते 24 घंटे में यहां 2,369 नए केस सामने आए हैं। आलम यह हो चुका है कि राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पंजाब के मोहाली, पटियाला, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना और रूपनगर जैसे जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नो नहीं वायलेशन, 9 बजे के बाद कर्फ्यू है, सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है, डीसी ने ऑर्डर जारी कर रखे है और आप कह रहे हो डीसी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑर्डर जो है वो वायलेशन नहीं है? आप कैप्टन अमरिंदर सिंह और डिप्टी कमिश्नर कपूरथला से ऊपर हो गए? नहीं, ऊपर नहीं है। नहीं, आप ऊपर हो गए, आप इसको वायलेशन नहीं बोल रहे? नहीं, दिस इज नॉट वायलेशन।
इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख भी बदली जा चुकी है। पंजाब में 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से होगी, पंजाब में 10वीं की परीक्षा 4 मई से आयोजित होगी। इतना ही नहीं, किसी कार्यक्रम में 200 लोगों को ही रहने की इजाजत दी गई है। ये तो तस्वीर थी पंजाब की, अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली का हाल। यहाँ भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी महीने से जो कोरोना के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब एक दिन में 600 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के कुल 607 केस मिले हैं। इस दौरान 384 मरीज जहां ठीक हुए हैं, वहीं एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके खतरे की घंटी को लोग अनदेखा कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हमने यही जानने की कोशिश की कि कितने लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। कई लोग तो हमें मास्क पहने दिखाई दिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे थे और अपने साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग देखिए हमें नजर आ रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क ले रहा हूँ। अब लगा रहे हो? चिंता नहीं है अपनी? चिंता नहीं है, क्यों नहीं है? चिंता है, चिंता भाई है सर सबको। मास्क क्यों नहीं लगा भैया? हालत है जेब में रखा। डर नहीं लगता है क्या? नहीं नहीं डर नहीं है। तमाम लोग हैं, कुछ और लोग भी हैं, क्यों भाई बिना मास्क के क्यों घूम रहे हो? मास्क सर लूंगा यहाँ से खरीदू। ये अब लोगे? लूंगा, भूल गया घर पे जल्दीबाजी में। तो जिंदगी की चिंता नहीं है? नहीं है, मास्क ले रहा सर, भूल गया जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी भूल गया, काम की लेट हो रही थी। लेट हो जाओगे लेकिन अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करोगे? ले रहा हूँ सर, ले तो रहा हूँ। ये तमाम लोग हैं देखिए जो बिना मास्क के यहाँ पर नजर आएंगे आपको। काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे पूछा जाता है तो कई सारे बहाने बताते हैं और फिर कहते हैं कि वो घर छोड़ गया, मास्क टूट गया है, इस तरह के बहाने जो है वो सुनने को मिलते हैं। लेकिन इस तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त आपको नजर आएंगे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। ये देखिए ये शख्स आ रहे हैं, मास्क कहाँ है? मास्क नहीं, जेब में रखने के लिए मास्क है? तो ये देखिए जेब में रखा हुआ है मास्क, लेकिन पहनेंगे नहीं। दिल्ली के सदर बाजार में तो हालात और ज्यादा बुरे दिखाई दिए। यहाँ हमारी मुलाकात ऐसे तमाम लोगों से हुई जो मास्क नहीं लगाने के तमाम बहाने अपने साथ लाए थे। दिल्ली में जनवरी के बाद एक बार फिर 600 मामले कोरोना के कल सामने आए हैं, पर क्या हालात है दिल्ली में वो तस्वीरें दिखाते हैं। सदर बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं, बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है जब मार्केट नहीं खुली है, लेकिन यहाँ लोग कैसे बेफिक्र नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार आप देख रहे हैं कि मास्क किसी ने भी नहीं लगाया, छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आए, इनसे बात ही करने की कोशिश करते हैं। मास्क मास्क, अरे मेरे मास्क कहाँ गिर गया? अरे अभी मेरी बेटी के हाथ में। भैया मास्क 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 है, ऐसे कोरोना खत्म हो गया दिल्ली से? मास्क नहीं पहना खुद? मैं मास्क अभी उतरा वो पानी पी रहा था। उधर यूपी में भी कोरोना जोर पकड़ने लगा है। यहाँ बीते 24 घंटे में 321 मरीज सामने आ चुके हैं। इससे पहले 23 जनवरी को 327 केस सामने आए थे। यानी यूपी भी दूसरे राज्यों की तरह एक बार फिर कोरोना के शिकंजे में कसने लगा है। लेकिन यहाँ भी जैसे लोग कोरोना के कहर को भुला चुके हैं। राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर हमें कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, केरल हो, पंजाब हो, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई जा रहा है। यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं, वजह है कि होली का मौसम है, चुनाव का मौसम है, लोग बहुत संख्या में आ रहे हैं। इस वक्त हम आलमबाग के बस अड्डे पर खड़े हैं जो बड़ा स्टेशन है। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, जबकि ये मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क? हाँ सॉरी, मास्क भूल गए लगाना चाहिए ना? नहीं भूल गए। अब एक्चुअली डर नहीं है ना कोरोना का, इसलिए अभी डर है, अभी है। महाराष्ट्र में बढ़ गए, दिल्ली में बढ़ गए, जी जी बहुत सारे लोग हैं। देखिए नहीं 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 देखिए अभी भी मास्क बहुत सारे लोग हैं जो लगा रहे हैं, जिसका नुकसान भी लोगों को हो रहा है, लेकिन लोग हैं कि उनको किसी तरह का डर नहीं है। अगर आप जो यहाँ देखें तो यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो मास्क कैमरा देख के जरूर लोग मास्क नहीं बताइए, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। बताइए भैया चाय पी रहे हैं, मास्क लगा के नहीं लोग लगा नहीं रहे, ये पूछ रहे हैं। ये गलती है उनकी, फिर बढ़ रहा है कोविड का केस, तो ये उनकी गलती है, नहीं लगाते, नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ भी कल केसेस बढ़े हैं, आज भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो जब सरकार कह रही है तो लगाना चाहिए। देश भर से आ रहे कोरोना के आंकड़े साबित करते हैं कि लोग अब किस तरह लापरवाही बरतने लगे हैं। इसलिए समझने की जरूरत है कि ऐसा कोई काम ना करें जो इस वायरस को पांव पसारने का मौका दे दे।
एक तरफ देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता सरेआम कोरोना नियम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में राजस्थान विधानसभा पहुंचे ज्यादातर विधायकों और मंत्रियों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। जब सभी नेताओं से मास्क नहीं लगाने के बारे में न्यूज 18 ने पूछा तो सभी नेता अलग अलग बहाने गिनाने लगे। कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी है, हम राजस्थान विधानसभा के सामने हैं। जागरूकता कितनी विधायकों के अंदर है, मंत्रियों के अंदर है, ये देखना जरूरी है। मास्क नहीं लगा रखा, फोन पे बात तो कर लूं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग अभी जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है? एक बात बताऊं मैं पहले आपको, एक तो नंबर बात, मैं मेरी फैमिली मेंबर ही मानो सारे मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं, मैं फोन पे बात कर रही हूँ। आप विधायक है, मास्क लगाना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। जी जी ठीक ठीक ठीक, मास्क लगाते हैं तो गाड़ी में बैठता हूँ, जब नहीं लगाता मतलब थोड़ा सा बताएंगे तो लोगों के लिए ठीक रहेगा। क्या मास्क लगाना जरूरी है हमेशा? नहीं लगाना चाहिए।